नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने लूट का अपराध करने के आरोप में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में रामगढ़ताल थाना प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान सचिदा निषाद पुत्र परमहंस निषाद निवासी ग्राम महिला दहला थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर, दूसरा सागर साहनी पुत्र राजकुमार साहनी निवासी ग्राम महिला दहला थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से दो पीली धातु की चेन, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, 70 रुपये नकद बरामद किया गया है। रामगढ़ताल थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्तों से पूछताछ के क्रम में ज्ञात हुआ है कि दिनांक 29 अगस्त को शाम के समय पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास ही एक व्यक्ति से चेन लूटी थी तथा दिनांक 21 सितम्बर को आजाद चौक के पास से एक महिला के गले से सोने की चेन लूटे थे। अभियुक्त उपरोक्त रास्ते पर आने जाने वाले लोगों की कीमती सामान जैसे आभूषण चेन आदि छीनते हैं तथा लोगों के घर में घुसकर चोरी करते हैं। इस प्रकार की घटना इन्होंने थाना पिपराई क्षेत्र में वर्ष 2020 तथा थाना खोराबार क्षेत्र में वर्ष 2021 में किया था, जिनको जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में रामगढ़ताल थाना प्रभारी संजय कुमार सिंह, आजाद नगर चौकी प्रभारी कमलेश यादव, उप निरीक्षक अमित चौधरी, हेड कांस्टेबल सरोजीत यादव, राहुल यादव, आशुतोष पांडे, उदय प्रताप सिंह शामिल रहे।